जल्दी ये मुंह उठा करके पूछा तुमने मुझसे एक बार भी, उसे मिलने का बहाना चाहिए। हाँ मेरे कसम नहीं करते। एवरीवन वेलकम बैक टू न्यू प्रैंक वीडियो। और आज जो प्रैंक होने वाला है ना उसकी शुरुआत कर चुका हूँ। वो देखो रखा है मेरा बैग पैक, तो वो मुझे करना है पैक। एंड एक और ट्विस्ट है इसमें, बताऊंगा अभी बाद में, लेकिन ट्विस्ट क्या है। तो भाई जो प्रैंक है आज प्रैंक करने जा रहा हूँ बहुत खतरनाक, हो सकता कहीं से घूसे लाते भी पड़ सकते हैं, क्योंकि जो प्रैंक है ना खतरनाक है, मतलब खतरनाक, क्योंकि जो मेरी एक्स गर्ल फ्रेंड है ना कामनी, वो हो गई है प्रेग्नेंट। कुछ गलत मत सोचना भाई, मतलब मेरा कोई हाथ नहीं है, उसकी लीगली शादी हो चुकी है एंड उसका हस्बैंड जो है वो गया हुआ है बाहर, और उसकी उसको देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ उसकी देखभाल करने, ठीक है ना, क्योंकि मेरी एक्स गर्ल फ्रेंड रह चुकी है। तो सुधा है अभी बाहर नीचे वाले फ्लोर पर भाभी के पास, तो वो भी आती होगी क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। तो कामनी के लिए गिफ्ट और है जो लेके जा रहा हूँ, बताऊँगा नहीं, वो उधर रखा हुआ नीचे, तो क्योंकि बता दूंगा तो भाई प्रैंक आप देखोगे नहीं पूरा, तो प्रैंक पूरा देखना, वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना। तो चलो प्रैंक करते हैं स्टार्ट। प्रैंक अच्छा लगे तो क्या करना है, शेयर लाइक एंड कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हो और चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आने वाले अच्छे अच्छे प्रैंक ना आपको मिलते रहें। तो चलो प्रैंक करते हैं स्टार्ट। A few moments later. Sudha! क्या हुआ? अरे वो मेरी काली वाली टी शर्ट का है यार। ये कर रहा हूँ? ये मैं बैग पैक कर रहा हूँ। मेरी ब्लैक वाली टी शर्ट बताओ कहाँ है? जा रहे हो क्या तुम? हाँ मैं एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। कहीं क्या था? अरे मैं जा रहा, बताता हूँ अभी, मिल जाए, क्यों परेशान हो रही हो तुम अभी? पहले मेरी ब्लैक वाली टी-शर्ट बताओ कहाँ है? तो तुम कल ही तो कह रहे थे कि मैं मनाली जाऊंगा, अभी मैं मन भी गया। मनाली जैसे समझ लो, एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ मैं। पहले मेरी टी-शर्ट तो फटाफट लेके जुड़ के, और उससे पहले तब करो मुंह मीठा। क्यों? अरे करो तो सही। क्या हो गया? मुंह मीठा कब करते? मनाली जा रहा था, लेकिन मनाली से भी जरूरी काम एक आ गया है। काम नहीं थी ना, काम नहीं कामनी है प्रेग्नेंट। उसकी मिठाई खिला रही है। मैं अगर प्रेग्नेंट है तो तुम्हें यहाँ इतनी खुशी हो रही है, और जा कहाँ रहे हो? मैं उसे घर जा रहा हूँ, क्योंकि उसका हस्बैंड है बाहर, ठीक है, और यार कोई देखभाल करने के लिए उसके कोई है नहीं है। उसको फोन आया था कि यार अमर मेरे यहाँ देखभाल करने के लिए कोई नहीं है और मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, तो मैंने कहा चिंता मत कर मैं आ रहा हूँ एक हफ्ते के लिए। जब तक उसके घर से कोई रिलेटिव अरेंज कर लेगी। कोई है नहीं ना, इसलिए तो उसने मुझको लास्ट में फोन करा एकदम। तो जिसका बच्चा है वो देख लेगा ना, वो तुम यार वो बाहर है ना यार, कितनी परेशान है, परेशान तो रहने दो, तुम्हारा बच्चा आएगा परेशान हो रहे तुम। काम करो तुम, आए बड़े कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाओ।
दिमाग तो खराब नहीं है यार। दिमाग खराब है, मूड भी खराब करो, मैं कहीं नहीं जाऊँ। नहीं अरे बताती हूँ, अपनी बीवी को बता रहे मेरी एक्स प्रेगनेंट है, मैं उसका ख्याल रखने के लिए जा रहा हूँ। अरे नौकर रख ले, चाका रख ले, कोई मेड रख ले, मेरे पति को बुला लिया अपना ख्याल रखने के लिए। अपने अपने ख्याल रख लेंगे, नौकर चाका रख लेंगे। अपने बीवी के टाइम में थोड़ा बड़ा वो नहीं लगा कि हाँ तुम्हारे टाइम में क्या क्या छोड़ दिया था मैंने? तुम छुट्टी करके बैठ जाते हैं, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। तैयार हो गए, रेडी हो गए? दिमाग खराब है क्या? देख तू कैसे जाते हो, बताती हूँ मैं तुम अच्छे से कलेज करवाओ ना अच्छे से। और ये क्या है, बच्चा हो गया क्या उसके? अरे बच्चे नहीं हो गए यार, इसकी तो पन्नी कर दूं मैं उसके लिए, ले जा रहा हूं ये एज अ गिफ्ट। अच्छा नहीं है यार, ये आदमी तो पागल हो गया यार। अच्छा नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, चले मत जाना, समझे? मुझे जाने से ना कोई सरहद, कोई पुलिस और कोई सुधा नहीं रह सकती। मुझे जाऊंगा तो जाऊंगा, ठीक है? और मुझे तो पन्नी दे दो। जाने से रोकेगी तो यही सुधा, ये ध्यान रखना। मुझे पन्नी दे दो, इसको मैं पैक करके ले जाऊंगा, क्योंकि दुकान वाले से दिया। मेरी टी शर्ट कहाँ है यार? अभी कितनी परेशान है बताओ, पता नहीं लैटरिन कैसे कर रही हो, कैसे जा रही होगी, कैसे क्या कर रही होगी। तुम लोगों को दर्द समझ रही हो यार, प्रेग्नेंट हो गई, एक्सीडेंट हो गया उसका, फिर पॉटी कैसे कर रही होगी, सुसु कैसे कर रही होगी, कैसे चल रही होगी, है? हाय राम, कितनी खुशी चेहरे पर यार, इतने दिन खुशी तो खुद के बाप बनने पे नहीं थी। मुझे पन्नी दे दो, इसको मैं कैसे ले जाऊंगा यार उसका? सर पे रख लो ताज की तरह और लेके चले जाओ। तू टेंशन मत ले यार, जब तक तेरे कोई आएगा है, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ इतने यार एक हफ्ते के लिए, उसके बाद देख लेंगे। तुमसे मैंने 4 दिन के लिए घर पे जाने के लिए बोला, घर पे रुक जाओ, जब तुमसे रुका नहीं गया कि मेरी छुट्टी हो जाएगी, तुम हफ्ते भर की छुट्टी के लिए तो वहाँ जा रहे हो, उसके पास जा रहे हो। वो घर से ज्यादा जरूरी काम है, घर पे क्या करता हूँ बैठ के 4 दिन? वहाँ बैठे क्या करोगे, वहाँ बैठे क्या करोगे, वहाँ बैठे क्या करोगे? हमारा दिमाग खराब है, तुम जाओ चल हट। वहाँ बैठे क्या करोगे फिर? केयर करूंगा, ध्यान रखूंगा उसका यार, तो उसका हस्बैंड आएगा कोई, उसका रिश्तेदार आएगा तो। कितनी खुशी चेहरे पर उसके पास जाने की, वाह जी वाह। उसको फोन करके एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें तो ऐसा लग रहा है जिंदगी भर के लिए जा रहा हूँ, एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ यार। क्यों जाओगे, एक दिन के लिए भी क्यों जाओगे, क्यों जाओगे? उसके कोई अपना नहीं है क्या, उसके मायके में सब नहीं है क्या, बुलाने किसी को भी तुम क्यों जाओगे ध्यान रखने के लिए? और ये कोई लड़की प्रेगनेंट है, कोई आदमी किसे ध्यान रखेगा? तुम ना कहीं नहीं जाओगे समझे? अरे भाई ध्यान रखना, खाने से पीने से रहते तो और तुझे बहुत दर्द भी समझ रही है यार। मुझे तुमसे ये उम्मीद थी सुधा, वो कह भी रही थी कि सुधा बुरा मान जाए, मैंने कहा यार सुधा समझेगी यार, उसको पता है यार कि औरत क्या। ये देखना तुम्हारा बच्चा है क्या? वेट अ मिनट, क्या भगवान क्या, इतनी खुशी से इतनी खुश कैसे हो सकते हो यार तुम इस चीज के लिए? वो भी जब वो हमारे बच्चों को अपना बच्चा मानती है। मैं देखने गई हूँ, मैं सुनने गई हूँ, मुझे तो पता है ना। कैसे पता है तुम्हें? तुम मिलते हो क्या उससे? तुम मिलते हो उससे? और नाम की कोई चीज है नहीं है अभी? तुम बात करते हो? क्यों बात करते हो उससे? भाई इसकी शादी हो गई है, ठीक है? क्यों बात करते हो उससे? तुम जाओ हटे यार, तुम क्यों बात करते हो उससे? मेरा दिमाग मत खराब करो, सुनिए जो मेरा दिमाग मत खराब, कहीं नहीं जाना। ओह माय गॉड, कैसे जा रहे हो? कहीं नहीं जाना, ये किससे पूछ के लाए हो? ये मैं अपने मन से लाया हूँ, हटो तुम इसको मत फेंक देना, इतना बंद। मेरे बिना पूछे तुमने कभी बच्चों को लाके दिया है? साथ में लेके जाओगे तो दिलवा के लाओगे, ये तुम अपनी मर्जी से उठा बच्चों के खिलौने वालों लेके बच्चा अभी दुनिया में आया है, अभी नहीं है, तुम उसके लिए लेके जा रहे हो, उसके लिए इसी चीज में लेके जा रहा हूं ना, अभी आया नहीं, कम से कम कहते नहीं सब तो लगता है तुम्हारा प्लान ऐसा है ना, तुम उसे मतलब इस दुनिया में ला आके ही वापस आओगे। चलो तुम ठीक है, लेट मत करो, मुझे निकलना है यार। भाई क्या कर रही हो तुम, हटो हटो, मुझे क्या, हटो कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाओगे तुम, ध्यान रखना। मैंने तुम्हें कहा ना मैं जाके रहूंगा, मुझे यहाँ पर रोक नहीं सकता कोई, मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं जाओ, नहीं देंगे फोन, बंद हो मेरा, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना, मेरी बात करो। मैंने उसको बोला था भाई मैं आ रहा हूँ, बोलो मैं भी आ रही हूँ तेरे बच्चे का ध्यान रखने के लिए, बात कर रहा हूँ।
अगर अगर तुम आ जाओगे तो यहाँ बच्चों को लाइन पर रखेगा। तुम उसका ध्यान रखने जा रहा हो? क्या करने जा रहा हो वहाँ पे? क्या करने जा रहा हो वहाँ पे? अरे बड़े हर औरत को अपने पति की तरह धुतु दिया होती है बच्चे का ध्यान रखने के लिए, या अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बुला रही है। क्या चला है तुम्हें बुलाया उसने? उसके बारे में कुछ नहीं चल रहा। नंबर है ना क्या किस तरह सेव कर रखा? मैंने तो आज तक नहीं देखा। तुम फोन क्यों कर रही हो उसे? पूछू तो सही ना। क्या पूछोगी? तेरे को अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे तो अपने पति को बुलाएगी, मेरे पति को बुलाएगी तू? भाई उसने कोई फोर्स नहीं करा, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, ठीक है ना? ये भी फोर्स नहीं करा, मर्जी से। मुझे तो सुनना है ना, कैसे ना कैसी औरत है ये? फिर भाई बोल रही हूँ, तुम शुरू से चिढ़ती हो, शुरू से चिढ़ती हो। शुरू से चिढ़ती नहीं हो। दो मेरा फोन दे दो, बुलाओ। अरे तुम अपना काम कर, तुम उसका नाम लेकर के उसके पास रहने जा रहे हो हफ्ते भर के लिए? तुम्हारा यही तो है ना, दोनों नाम में चला रहोगे ना, जिंदगी रखते चले जाओ ना, फिर क्या दिक्कत है? वहां रह लो, पैदा करा लेना, दूसरा भी पैदा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बात कराओ मुझे उससे। पनीर तो दे दो पैक करने के लिए। कुछ पैक नहीं, पहले फोन लगाओ, पकड़ो फोन लगाओ। किस लिए? मैं तो पूछू ना। क्या पूछोगी? तेरा पति कहाँ है भाई? तू मेरे पति को बुला रही है? उसको पति गया हुआ है यार। जहाँ नहीं गया वो बुला लेगी, सास समंदर पास नहीं आ सकता। नहीं आ सकता ना वो? क्यों हेलीकॉप्टर हो? कहीं नहीं जाना, तो मेरा इंतजार कर रहा कोई मेरा वहाँ पे यार। शर्म भैया बिल्कुल मर चुकी है क्या? पूछते हुए भी क्या सोच रखा है यार तुमने? मुझे मतलब कुछ भी बोलोगे मैं मान जाऊंगी हर चीज, है ना? तुम रो क्यों रही हो? मैं यार कौन सी औरत बर्दाश्त करेगी किसी और औरत का ध्यान रखने के लिए? जानो रो क्यों रही हो मेरी जान? मतलब मैं तो, तुम रो क्यों रोने को लगी? पागल पागल हो ना तुम, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं नहीं जा रहा, तुम रो क्यों रही? तुम रोने क्यों लगी? तुम मजाक कर रहा था छोटा सा एकदम, तुम तो रोने लगी एकदम। सच्ची मुच्ची प्रैंक कर रहे थे तुम्हारे साथ? सुपर मना प्रैंक ही कर रहे थे। अरे बस से जाने दो, मना सुनाती ना ऐसी बातों से डिलीवरी हो जाती है उसके, ध्यान रखना। अच्छा जानो मेरी बस है 10 बजे की। चली जा, उसे मिलने का भाना चाहिए। सच में बात करते हो? खाना मेरी कसम नहीं करते? हाँ मेरी कसम नहीं करते। कसम से? हाँ मेरी कसम नहीं करते। कसम से? हाँ मेरी कसम नहीं करते। तुमने बातों बातों में से बोल दिया, तुमने बोलो बोलो नहीं करते। नहीं करता। मेरी कसम का बोलो नहीं बात करता। अरे नहीं करता, ये लोग तेरे को कैसी औरत है? औरतों के औरत दर्द नहीं समझ रही, मुझे जाने नहीं दे रही है। आप ही लोग सिफारिश कर दो यार, मेरा इंतजार कर रही है वो। एक औरत होगा ना, तुम्हारा दर्द बिल्कुल समझ रही हूँ मैं, तुम्हारी बेकरारी भी समझ रही हूँ मैं। मतलब बीवी में बता, तुम सच में बात करते नहीं करते? सपोर्टिंग माय गॉड। भाई पूरे 350 रुपये फूकने पड़े इस प्रैंक को करने के लिए, ये टेडी बियर लेना पड़ा नया कर नया कामने के लिए, और दूसरी कामने चली गई है गुस्सा हो गया।
तो मैं जाके उसे मना लूँ, पता चले उस घर में तो मेरे को ठिकाना है नहीं, पता चले इस घर से भी ठिकाना उठ जाए, तो मैं जा रहा हूँ उसे मनाने। वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, शेयर लाइक एंड कमेंट, ठीक है, बिगर चैनल को सब्सक्राइब कर मगर जाना। मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।